नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे दो मिनट में राजस्थान की 10 बड़ी खबरों की ओर। पाली के वडेरवास ग्राम पंचायत के अंतर्गत केनपुरा गांव में अवैध अतिक्रमण के नाम पर देवासी समाज के 40 से अधिक मकान हटाए गए। विरोध में देवासी समाज धरने पर बैठा। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने मौसमी बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य भवन में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली। चिकित्सा विभाग को सजग और सतर्क रहने के आदेश दिए। बीकानेर में लगातार चोरी हो रहे दोपहिया वाहनों की घटनाओं को लेकर कोटगेट पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। चोरी की 24 मोटरसाइकिलों के साथ दो चोरों को किया गिरफ्तार। बीकानेर के सारण पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलाने का आरोप लगने से मचा हड़कंप। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामले को दी हवा। राजस्थान के गंगापुर सिटी में चोरों ने एक सोने घर को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की। चोरी की घटना से इलाके में दहशत। कोटा ग्रामीण पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लग्जरी कार से डोडा चूरा भरे कट्टों को किया बरामद, जिसकी बाजार में कीमत 10 से 12 लाख रुपए आंकी गई। पाली जिले की सैकड़ों फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण और जहरीला पानी कई खेतों को पहुंच रहा। किसानों को हो रही भारी नुकसान। पाली के पाबू नदी में एक युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सवाई माधोपुर जिले के मलराना डूंगर उपखंड क्षेत्र के मायापुर डुंगरी गांव के पास मोलेन नदी के में डूबकर एक युवक की हुई मौत। सिरोही जिले के काटल गांव में एक स्कूल के खेल मैदान में ग्रेवल कार्य समतलीकरण में भ्रष्टाचार को लेकर स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने जताया विरोध। राजस्थान की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एन भारत।